अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, तो यूनिवर्सिटी आया था क्लासेस लेने के लिए। इन्होंने कहा है क्लास कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि सेमिनार है फैसल मस्जिद में। तो अब हम लोग जाएंगे फैसल मस्जिद सेमिनार अटेंड करने के लिए, फिर वापस आके बाकी क्लासेस लेंगे। हम लोग जा रहे थे तो हमारा रास्ते में ही ना पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो ये भाई हमारे सीनियर हैं आयाजी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। मैं आपका अकाउंट बेशक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बहुत शुक्रिया इन भाई को। शो सम लव गाइस। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो गाइस। बाबा जी विच हो गए थे, ठीक है, बहुत विच। और लेकिन फिर एक बाइकिया वाले बंदे ने हमें पेट्रोल दे दिया थोड़ा, फिर हमारे तो फिर हमारे सीने भी मिल गया था। अपने सराहने लेकर पंप की तरफ बने हुए खाना बदोश, ये तो मुंह से ही लगता है। ठीक है, मैं आपका नो द रिस्पेक्टेड वन, ये आप कुछ भी बुला सकते हैं। लेकिन लेकिन यार हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं ना, माशाल्लाह बहुत स्वीट है। यस यस, बहुत स्वीट है जब तक आप उन्हें कैंटीन से चुकाते रहो। लेकिन बहुत बहुत फ्रेंडली ऑल ओवर। यस यस, खास तौर पे जब केले के जूस वाला। हां, केले के जूस के साथ तो बहुत फ्रेंडली है वो। मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं आए, मैं अकेला आया हूँ। उनका सेमिनार में ज़रा ज़्यादा दिल लग गया था, मुझे तो समझ आ रहा था, इतना ख़ास नहीं था। रटी रटाई बातें कर रहे थे, नथिंग स्पेशल एट ऑल। तो दफ़ा करो यार, रटी रटाई बातें कर रहे, ये तो हम यूट्यूब से अच्छे से सिर्फ हज़ार दर्जे अच्छी चीज़ देख सकते हैं। तो मैंने बोला मिस करवाओ, तुम लोग लो सेमिनार, बच्चा कुछ देख लो क्या कर सकते हो, उससे क्या पढ़ लोगे, जो पढ़ सकते पढ़ो, मुझे खुशी होगी। मुझे पसंद नहीं आ रहा था उठ के आगे। आप मेरे पीछे व्यू चेक कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड। लेकिन जो इस पुराने कैंपस की वाइब्स है ना, ओहो। जैसा कि आपने देखा है कि इतनी खूबसूरती एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको सही तरह से उठाया नहीं जा रहा है। इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी शायद ही किसी मुल्क में एग्जिस्ट करती हो, स्पेशली इस्लामाबाद पाकिस्तान में बहुत अंडररेटेड यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मसले आ रहे हैं, इनको हल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है इसको हल करना। और बदकिस्मती से ये मज़ीद करप्ट और कोलैप्स करती जा रही है। मोमेंट ऑफ साइलेंस, लेट देम पास। हाँ, तो मैं बेसिकली ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चेंजेस लाना है और वो बहुत ज़रूरी है। और काइंडली यार, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई एडमिन से या कोई इंतज़ामिया में से कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो उसको मैं बताते चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी में इतना पोटेंशियल है कि प्रोफेसर्स को ये कसम से 15-15, 11-11 लाख भी दे सकती हैं, और शायद लेते भी हों। लेकिन इतना ज़्यादा इसमें है कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा उठा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। और ये चीज़ें फ़िक्स करनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। काफ़ी पोटेंशियल है, मेरा काफ़ी दिल सुरदा हो रहा है यार, इसमें होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? इतनी आसानी से दाखिला क्यों मिल रहा है? थोड़ा सा इसको उठाओ यार, ज़रा सख्ती करो, थोड़ा अच्छा, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि सख्ती हो, बहुत अच्छा माहौल है, ख़राब ना हो, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं,
ओवरसीज़ आते हैं, इधर कितने देहात से इधर लोग आकर डिग्री लेके जाते हैं और पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर जा रहे हैं, बाहर अच्छा खासा कमाते हैं फिर वो। तो मसला ये है कि हम इतना ज़्यादा इसको क्यों ग्रांटेड ले गए हैं। ये किसकी कॉल आ रही है यार? यार फ़ोन पे ब्लॉक कर रहा हूँ तो इतनी तो होती है, मैं इसको काट देता हूँ। बाय बाय अफ्ताल सिद्दीक, ये मेरा दोस्त है जिसके सेमिनार पे गया हुआ था, तो अब वो कॉल्स कर रहे हैं बार बार, वो समझते नहीं है यार कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये कह रहा था बेसिकली कि हमें चाहिए एडमिन को और इस तरह के ना कि इसको करे, इसमें पोटेंशियल है काफ़ी, यूनिवर्सिटी हमारी बहुत खूबसूरत है। क्यों कॉल करें बार बार शहजादे? गाली नहीं दे सकते ना तो शहजादा अच्छा लगता है, समझ जाएगा क्योंकि मैंने इसको गाली दी। तो बेसिकली हमें चाहिए, हम अपना ख्याल रखें यार, हमारा मतलब यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आज देखा मेरा पेट्रोल फिर से कॉल करें, इसको मैं बाद में बताऊँगा। इसको पोटेंशियल है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे स्टूडेंट्स बहुत आला और उम्दा किस्म के हैं, बहुत हेल्पिंग करते हैं और बहुत खूबसूरत है हमारा मतलब सारा ना एग्ज़ाम बहुत खूबसूरत चल रहा है इधर यूनिवर्सिटी में। बस मैं चाहूँगा कि यार इसको एडमिन से ज़रा अच्छा हो और ताकि इस यूनिवर्सिटी की कदर हो, इस यूनिवर्सिटी की कदर नहीं है। किसी को बोलो इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो रिस्पॉन्स काफ़ी अजीब सा आता है, जैसे मेरी शक्ल बनी बस इसी तरह की बन जाती है। इस्लामिक व्हाट द फक, नहीं इस्लामिक को आपको चाहिए यार, उसका बनाओ माहौल शौल मज़ा आए, पढ़ने में अच्छा लगे। ये बहुत ड्राई फीलिंग ला के देती कभी कभी, इसको ना करो, इसको अच्छा बनाओ यार। एडमिन तो बना सकती है, या तो मुझे खड़ा कर दो प्रेसिडेंट की जगह, मैं आपकी यूनिवर्सिटी का नक्शा बदल के दिखाता हूँ, ज़्यादा हो गए। लेकिन सीरियसली इसमें पोटेंशियल है, आपको चाहिए कुछ करो इसका यार, ताकि हम जैसे पढ़ने आए लोग दूर दूर से आए, और इंशाल्लाह आएंगे, मैं लिख के देता हूँ, आएंगे बाहर से आएंगे, देखना यकीन करो। हेलो जी, तो हम वापस यूनिवर्सिटी आ गए और अब क्लासेस लेंगे, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करेंगे। आवारा गर्दी बहुत हो गई है, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, वैसे भी मिड करीब आ गए हैं, हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह। आवारा गर्दी वाकई बहुत हो गई है, आ जाओ क्लास लेते हैं। तो दोस्तों इधर क्लास एक हो गई है, अब थोड़ी देर बाद तकरीबन एक डेढ़ घंटे बाद एक क्लास है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ और थोड़ा मुतायला करूँ, थोड़ी न्यूज़ पढ़ लूँ, कुछ बुक्स पढ़ लूँ, थोड़ा बहुत जितना हो सके रीडिंग करूँ, और उधर अच्छी संगत होती है, उधर बैठ के इंसान काफ़ी कुछ ना चाहते हुए भी सीख जाता है। तो मेरी ये कोशिश है चलें लाइब्रेरी चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त हैं ये, हम इधर यूनिवर्सिटी का शवारमा ट्राई करने लगे हैं और आज हम इस यूनिवर्सिटी के आपको रिव्यूज़ देंगे शवारमे के। इट वुड बी एन ऑनेस्ट रिव्यू सर। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा रिव्यू। ये भाई अहमदाबाद से आए हैं और हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर पॉलिटिशियन है इमरान खान, सॉरी शहबाज शरीफ की कुर्सी पर ही बैठे हो। हाँ बिल्कुल। और सर कैसा लगा यार शोरमा? अच्छा था, मतलब इतना भी ना हाई लेवल का था और ना ही इतना बुरा था, ठीक था, मीडियम था, अच्छा था, यूनिवर्सिटी के हिसाब से अबव एवरेज था, अबव यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा, 100 रुपए का था और मैं ठीक है बस। हाँ 70% देते हैं इसको यार। हाँ बिल्कुल 70% है इसका, अच्छा था यार, मतलब नॉट बैड वाला सीन था। आप भी चेक कर लेना कभी यार, कभी आओ तो आना। अभी हम क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास लेट होगी। हाँ स्टार्ट भी हो गया क्लास। चलो फिर क्लास चलते हैं, मिलते हैं अब क्लास के बाद। अभी नमाज की छोटी सी इन्होंने ब्रेक दी है और कह रहे हैं उसके बाद आओ। मजाक शुरू कर दिया है क्या, 4 घंटे की क्लास लगाई है, हम समझ नहीं आ रहा कुछ, मतलब क्या हाजा 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 शुरू हुए में अरबी में यार, हम आयर कर रहे हैं, हमें अरबी में मौलिया थोड़ी बनना है। इन भाई का मुँह देखे यार, तरसे लग रहे हैं बेचारे, नींद नहीं पूरी हुई इनकी, बच्ची नहीं मिल रही इन्हें यार।
हम स्कूल में पढ़ते हैं यार, मुझे फोन नहीं यूज करने देते, उठ के बाहर नहीं आने देते। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं यार, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पता तो चले ना यार, कितनी गलत बात है ये। आप इन भाई की बातें सुने यार, शक्ल से नजर आ रहा है कितने इनके जुल्म हुआ है। नहीं, सुबह 7 बजे आते हैं और शाम को जाते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी का हाल है भाई। हमारी तो शेख है, भी छुट्टी नहीं देते हमें, एक दिन नहीं छुट्टी दे रहे यार। अभी अभी बेंचों तो निकल फिर बुला रही है, कल दोबारा बुला ली है, कल दोबारा जाती है यार। और केले जूस अजीब मचाए हुए इन्होंने। मैं कल आता हूँ, कल मेरा कल मैं आता हूँ, कल मैं आता हूँ केले का जूस लेके सब। लेकिन यार ये क्या मजाक है, अभी फिर से बुलाएगा, खुद आते नहीं है हम। मतलब ये सर की वैकेंट मसला, सर ने शुरू में इनके वल्लाह वाला में एक्सीडेंट हुए हैं कि क्या हुआ है, उन्होंने मिस किए, उनकी वजह से हमें फिर से इनकी मेकअप क्लासेस लेना पड़ रहा है। ये देखो ना यार, हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है। ज़रूरी बात मैंने और कहनी थी कि दो, एक्चुअली दो बात थी। दूसरी बात ये थी कि ये चैनल डिस्क्रिप्शन है, आप इसको काइंडली फॉलो करें, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। दूसरी बात, हमने कभी भी किसी भी सर को, प्रोफेसर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ना हम करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। सर की बहुत इज्जत है, इसलिए नहीं कि अगर वो ब्लॉग देख रहे हो तो मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, टीचर्स की मैं वैसे ही बहुत इज्जत करता हूँ और करनी भी चाहिए, वरना आप नाकामयाब होते हो ज़िंदगी में। आई डोंट गिव अ शिट जी पी है, लेकिन वाकई सीरियसली टीचरों की कदर है, टीचरों का एहसास इज्जत हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम अगर मैं शिकायत करता हूँ किसी से, तो वो बेसिकली ये एडमिन है, मैनेजमेंट है ओवरऑल, तो बस ये बात। तो घर आ गया तकरीबन, अब 8:30 हो गए, फ्रेश हुआ था और अब व्लॉग को एंड करते हैं इसी नोट पे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, मज़ा आया, एंजॉय किया, तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, कुछ करो यार, काफ़ी इधर हालत ख़राब हो जाती है व्लॉग बना बना के, तो थोड़ी सपोर्ट करो। और दूसरे पॉइंट पे, अगर कोई मेरे बात से अपॉइंट हुआ हो या कोई बात बुरी लगी हो या मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ, तो मैं माजरत चाहता हूँ, डरता मैं किसी के पियो से भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, ये आवाज़ का इशू आ रहा था, तो मैंने दराज पे ऑर्डर करवाया हुआ एक माइक्रोफोन, तो वो जब माइक आ जाएगा तो आवाज़ का मसला हल हो जाएगा वेरी सून इंशाल्लाह। 2 हफ्ते का टाइम दिया था उसने, तो सब्सक्राइब, थैंक यू।